अर्चने बड़ी खबर मिल रही है गरियाबंद जिले से, जहां पर गरियाबंद में कोरोना का बड़ा असर देखने मिल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। जो 2 जिला अधिकारियों के पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है गरियाबंद से, जहाँ पर गरियाबंद में कोरोना का बड़ा असर देखने मिल रहा है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी बताएंगे? कलेक्टर ने अपने 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल जिला के 2 बड़े अधिकारी हैं जिनके अधीनस्थ में लगभग 30 से 40 कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको पॉजिटिव आ गया है। अब इनके पॉजिटिव आने के बाद में वो जो अन्य कर्मचारी है उनका भी टेस्ट किया जाना जरूरी है। इन स्थितियों को देखते हुए जिलाधीश ने एक आदेश जारी करते हुए 48 घंटे के लिए जिला कार्यालय को स्थगित कर दिया गया है, अर्थात बंद कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जिला में ग्रामीण जो है दूर दूर से आते हैं और इन्हीं अधिकारियों के पास अपना काम करवाने के लिए पहुंचते हैं। इस स्थिति में कोरोना का भयावह स्थिति बन सकता था, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने इसे बंद किया है 48 घंटे के लिए। अब जरूरी यह हो गया है कि इनके अधीनस्थ काम करने वाले जो अन्य कर्मचारी हैं उनका भी टेस्ट किया जाएगा, साथ ही सैनिटाइज भी किया जाना है कलेक्ट्रेट को। इस दृष्टिकोण से यह फैसला बहुत जरूरी था लेना। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सारे दूसरी अन्य जिलों में नाइट के कर्फ्यू है, लेकिन गरियाबंद में इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिल रही है, जिससे और व्यापक रूप ले सकता है। गरियाबंद में लगातार व्यापक रूप ले रहा है कोरोना, इसे रोकने के लिए इस पर कड़ाई बरतना प्रशासन के लिए जरूरी होगा। जी किस तरह की स्थिति परिस्थिति देखने मिल रही है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश भर में जो माहौल है कोरोना को लेकर के, वो अब किस स्तर पर और लोगों में किस तरह से समझदारी सामने आ रही है? देखिए, ये अपन स्पष्ट रूप से कहें, अभी भी वो समझदारी या वो होशियारी या वो सावधानियां नहीं बरती जा रही जिसकी जरूरत है। जी, पर कुछ लोग ऐसे भी बाहर निकल रहे हैं जिनको कोई काम नहीं है, मुफ्त घूमने के लिए निकल रहे हैं। अब ये समय जो है वो विपरीत समय, विपरीत समझ में समझदारी का काम लेना होगा और शासन के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा, अन्यथा गरियाबंद जिला भी अन्य जिलों की तरह व्यापक रूप ले सकता है। दुर्ग और राजनांदगांव की तरह यह भी भारी संकट उस संकट के दौर से गुजर सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ाई बरतने की यहाँ ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। जी, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।